नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी बुक की का पाठ 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक ना। तो पहला प्रश्न में है, देखिए एक चर में होना चाहिए, मतलब अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें केवल चर एक होना चाहिए। यदि यक्ष यक्ष है तो केवल यक्ष यक्ष हो, वाई 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 हो तो वाई हो, जेड हो तो जेड हो। और किसे बहुपद कहते हैं किसे नहीं, तो वो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यदि मैं एक समीकरण एक बहुपद लिख रहा हूँ, देखिए 2x² + 3x + 4, ठीक ना। तो ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? देखिए सबसे पहले तो इसमें पद देखते हैं कितने हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें एक पद ये, दो और ये तीन, कुल मिलाकर ये तीन पदीय बहुपद है, ठीक ना। तो तीन पदीय बहुपद है, ठीक। सबसे पहले बहुपद क्यों है? तो देखिए जो भी इसमें चर है, देखिए ये यक्ष जो है यहाँ एक चर का काम है, ठीक ना। तो यक्ष एक चर है, यक्ष एक चर है, ठीक ना। अब देखिए इस पूरे बहुपद में केवल यक्ष ही प्रयोग में आया है, इसमें यक्ष और वाई एक साथ नहीं है। जैसे 2x² + 4+5 = या कुछ भी हो, इस तरह का अगर बहुपद लिखा होता तो इसमें देखिए दो चर आए हुए हैं, ठीक ना, यक्ष और दो, तो इसको बोलते हैं दो चरी बहुपद हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने चर भी समझ लिया कि इसमें चर क्या होता है। इस प्रकार आप चाहें तो t²-4t+2 ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक चर ये बहुपद है, इसमें t चर में बहुपद है, ठीक ना। तो यक्स वाई जेड टी पी क्यू आर कुछ भी मिले तो वो चर होता है, जो समय के साथ मान में इसके मान में परिवर्तन होता रहेगा, इसलिए उसको चर बोलते हैं। तो इस प्रकार इस बहुपद में देखें तो हम ये एक चर वाला बहुपद हो गया, चूँकि तीन पद हैं तो तीन पदीय बहुपद है, ठीक ना। अब देखिए ये बहुपद क्यों है, अब ये समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी इस बहुपद में चर प्रयोग में आया है उसका घात देखिए क्या चीज़ है, ठीक ना। तो देखिए बहुपद होने के लिए चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक ना। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, या तो शून्य हो, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार घात होनी चाहिए, ठीक ना। तो यक्ष के घात 1 हो या 2 हो 3 हो, यक्ष के घात 0 हो तब भी वो बहुपद कहलाता है। तो देखिए अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये बहुपद है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें जितने भी चर आए हुए हैं उनको हम चेक करेंगे कि घात क्या है इनकी। तो देखिए इसमें क्या है, यक्ष की घात 2 है तो पूर्ण संख्या है, तो इस वाले में चले ठीक है, यक्ष से घात यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये 1 होता है, तो ये भी यक्ष से घात ये 1 है तो बहु पूर्ण संख्या ही है ये, यहाँ पर यक्ष की घात कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² + 3x1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके स्थान पर यहाँ 4 है, हम यहाँ पर एक्स के घात 0 लिख सकते हैं। देखिए किसी के भी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, जैसे यदि 2 के घात 0 लिख लिया तब भी ये 1 हुआ, 5 के घात 0 हुआ तब भी ये 1 हुआ। इस प्रकार एक्स के घात 0 तो ये एक्स 1 हो गया, वाई के घात 0 तो ये भी 1 हो जाता है, इसलिए इसको लिखते नहीं है बस, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें अगर देखें तो यहाँ यक्ष की घात 0 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है, यहाँ 1 है 2 है, तो मतलब जो भी चर इसमें प्रयोग हुआ है उसका घात पूर्ण संख्या में है, अतः यह एक बहुपद है, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे बोलते हैं। तो देखिए अब देखिए इसके संग एक क्वेश्चन और आता है, यदि लिख दिया जाए 5 तो क्या ये एक बहुपद है, तो बोलेंगे ये एक बहुपद है, क्योंकि यदि इसमें हम कोई चर अगर प्रयोग में करना चाहें तो हम इसके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्ष घात 0
या वाई के घात शून्य, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बहुपद एक चर, एक चर में लिख लिया और इसका जो शून्य जो घात है शून्य है, तो इसका मतलब कि पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार अगर कोई पाँच लिखा हो तो ये भी एक बहुपद कहलाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये पाँच हो गया, चार हो गया, तीन हो गया, कोई भी संख्या अगर लिखी हो तो इसको लिखते हैं ये एक बहुपद है और जिसकी घात शून्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको देखिए, ये ना बहुपद की घात बोलते हैं। इसमें इस वाले चर में, इस वाले बहुपद में अगर जो सबसे बड़ी जो घात होती है उसको बहुपद की घात मिलते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है तो हम एक एक करके देखेंगे और उसको समझते चलेंगे। तो देखिए अगर पाँच लिखा हो तो इसको बोलते हैं ये बहुपद है और बहुपद की घात यहाँ पर शून्य होती है, ठीक ना। तो देखिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं और फिर विस्तार से भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो बहुपद के होने के लिए कि बस उसमें देखेंगे कि उसकी चर क्या, चर की घात क्या पूर्ण संख्या में है या नहीं। तो देखिए पहला प्रश्न का पहला भाग में लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7, ठीक ना। तो देखिए ये सबसे पहले इस बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद की घात देखिए, ठीक ना। देखिए इसमें x चर है, केवल एक चर प्रयोग में आया है, तो एक चर वाला है, ठीक। अब देखिए यक्ष की घात दो है, यक्ष की घात एक है, यहाँ पर यक्ष कुछ नहीं है तो मतलब यक्ष की घात शून्य होती है। तो मतलब शून्य, एक, दो, ये सभी जो घात हैं वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक ना। पूर्ण संख्या शुरू से जीरो से शुरू होती है, शून्य, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार इस चर में जो भी चर प्रयोग हुआ है उसकी घात शून्य से लेकर कोई भी संख्या है, तो 0, 1, 2 है, इसलिए बोलेंगे कि ये एक, यह एक चर वाला, एक चर वाला बहुपद है, ठीक ना। तो एक चर वाला बहुपद है, इसमें बोलता है एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ठीक ना। तो एक चर वाला बहुपद हो गया क्योंकि इसके जो भी बहुपद में जो चर प्रयोग में आया है उसकी घात पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा भाग में क्या लिखा है। लिखा है y के घात 2 + (2), ठीक ना। तो इसमें भी हम इस चर का देखेंगे घात क्या है इसकी, ठीक ना, और इसके संग क्या है उससे। देखिए ये अचर पद है, अचर पद हमको इसको नहीं देखना है, केवल चर को देखना है। इस बहुपद में ये चर है, चर की घात कितनी है, 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या होती है, अतः यह एक बहुपद है, ये ठीक ना, बहुपद है, या सिंपल कह पूरा कह सकते हैं यह एक एक चर वाला बहुपद है। थर्ड भाग देखते हैं इसका, इसमें लिखा है यह 3 (t + (t)² 2। तो इसमें देखिए चर इसमें t प्रयोग हुआ है, ठीक ना। तो t की घात देखेंगे कितनी है, तो देखिए t की घात यहाँ पर तो एक है मगर यहाँ करणी के अंदर है। अब करणी को क्या लिखते हैं, देखिए यदि करणी 2 लिखा हो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, ठीक ना। ये वर्गमूल होता है, वर्गमूल को घातांक के रूप में लिखते हैं तो 1/2 लिखते हैं। इसी प्रकार का करणी t लिखा हुआ है तो हम इसको t की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें t की घात 1/2 है तो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना, भिन्नात्मक संख्या है, अतः ये बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की घात भिन्नात्मक है, ठीक ना, भिन्नात्मक है, ठीक ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी तो भिन्नात्मक है। या तो आप इसको सरल भाषा में कहिए कि अगर कोई भी बहुपद जैसे चर है, चर कोई भी करणी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये करणी या वर्गमूल में है। अगर इसी प्रकार ये करणी में 3 घात की करणी होती जैसे क्यूब रूट या x होता, ठीक ना, फोर्थ रूट होता, y लिख लीजिए, या यहाँ पर एक ठो करणी t लिखा हुआ है, मतलब यदि चर करणी के अंदर है तो इसको सीधे बोलेंगे कि यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यदि इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो लिखेगा y के घात 1/4,
तो देखिए भिन्नात्मक में आ गया, ठीक ना, एक बटे तीन लिखा है ये, यहाँ पे देखिए वर्ग ना यहाँ टू लिखा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वर्गमूल है तो टू को लिखते नहीं है, तो इसको घात में बदलेंगे तो ये एक बटे दो के रूप में लिखा जाता है। तो सरल भाषा में अगर कोई भी चर अगर कर्णी के अंदर लगा हो तो बोलेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसको घातांक के रूप में लिखें ना तो वो पूर्ण संख्या न होकर भिन्नात्मक में आती है, तो ये यहाँ ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आप तीसरा भाग देख लेते हैं, यहीं पर तीसरा में लिखा हुआ है, ये तीसरा ही था, चौथा देख लेते हैं। देखिए चौथा में लिखा है y प्लस दो बटे वाई, ठीक ना। तो अब इसको चेक करिए कि इनकी घात क्या है, तो देखिए ये ना हर में है, इसको पहले अंश में लेकर आएंगे, तो ये रहा y प्लस दो, जब इसको नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो ये y की घात माइनस वन हो जाएगा, ठीक ना। हर में है, अंश में गया, तो कोई भी चीज़ बोला था ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर करें या व्युत्क्रम करें तो चिन्ह इसका घात का चिन्ह बदल जाता है। देखिए यहाँ वन होता है, जब इसको ऊपर ले गए तो माइनस वन लग गया। अब चेक करिए, देखिए इसमें जो चर है, जो चर वाई प्रयुक्त हुआ है, इसकी घात यहाँ पर तो एक है मगर यहाँ पर माइनस वन में आ गया, और पूर्ण संख्या वन जीरो से ही शुरू होता है। तो इस प्रकार इसमें देखिए पूर्ण जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या न होकर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ, ठीक ना। तो ये लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक ना, चर की घात ऋणात्मक में है इसलिए। या अब देखिए अगर इसको देखें, अगर कोई भी बहुपद चेक करें कि अगर है कि नहीं, तो हम सरल बात कर लें कि अगर किसी भी के हर में अगर कोई चर लिखा हो, है ना, किसी के हर में अगर चर लिखा हो तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। सरल भाषा में देखिए ये बटे में था, हर में था, इसलिए हमने बोला ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो हर का जब अंश में लाएंगे तो देखिए ऋण में बदल गया, ठीक ना, तो ये बहुपद नहीं हुआ। अब इसमें अगला भाग देखते हैं, पांचवा भाग लिखा हुआ है, पांचवा में है, यक्ष के घात 10, वाई के घात 3 और टी के घात 50, ठीक ना। अब हमको इसमें चेक करना है कौन बहुपद है कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इतना तो हो गया। अब देखिए इसमें यक्ष है, इसमें देखिए यक्ष के घात 10 है, ठीक ना, पूर्ण संख्या है ये, वाई के घात 3 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और टी के घात 50 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार यह एक बहुपद तो हो गया, ठीक ना, मगर हमको प्रश्न बोला है कि कौन एक चर में बहुपद है। अब यहाँ देखिए तीन तीन चर लिखे हुए हैं, ठीक ना, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुपद नहीं है, है ना, मगर ये भी लिखा है इसमें कि एक चर वाला ही हमको चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे कि यह तीन चरों वाला बहुपद है, ठीक ना। तो इस प्रकार लिख लेंगे, तो पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं इसका, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिख लेते हैं, पहला भाग लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक ना, तो हमको केवल यक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब जो भी यक्ष स्क्वायर है, ये इसके पहले जो भी यहाँ पर अंक लिखा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है, ठीक ना, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक ना। तो इसमें अगर x स्क्वायर गुणांक बात करें तो ये जो अंकों में लिखा हुआ ये जो भी है x स्क्वायर के बाद जो भी बचा वो उसका गुणांक कहलाता है। x के आगे गुणांक ये माइनस 6 है, इस प्रकार x का गुणांक माइनस 6 हुआ। अब देखिए x स्क्वायर गुणांक की बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये एक होता ही है, ठीक ना, एक हर किसी का एक गुणनखंड होता है। तो लिखेंगे यक्ष स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक ना, बहुत सरल प्रश्न है ये सब, बस ये पता आना चाहिए सबको। दूसरा भाग लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यक्ष के घात 3, तो इसमें हमको केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए,
तो एक्स स्क्वायर के आगे देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है, वन लिखा रहता है ये, तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है इसका गुणांक, ठीक ना, ये एक पद है। अगर इसमें बात करें तो ये बहुपद है, इसमें एक दो तीन, तीन इसमें पद हैं, तो इस एक्स स्क्वायर वाले पदी का हमको गुणांक ज्ञात करना है, तो बस इसके ये माइनस वन हो गया, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस वन, ठीक ना। तो थर्ड भाग देखते हैं इसका, लिखा है पाई बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमको एक्स स्क्वायर गुणांक चाहिए, तो इसके एक्स स्क्वायर के पहले जो भी ये इसका लिखा होता है इसको गुणांक बोलते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाई टू या पाई बटे दो हो गया। अब चौथा भाग देखिए, चौथे भाग में लिखा हुआ है करनी दो एक्स माइनस वन, ठीक ना। तो इसमें हमको एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक ना, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो देखिए सरल से बात करें अगर इसमें है ही नहीं तो उसका गुणांक जीरो होगा, ठीक ना। या इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस करनी दो एक्स माइनस वन। देखिए जीरो गुणा करेंगे तो जीरो तो है ही, जीरो हो ही जाएगा, हट ही जाएगा, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इस प्रकार एक्स स्क्वायर गुणांक ये जीरो हमको दिख रहा है। तो इसको लिखिए या ना लिखिए, सरल भाषा में बात करें तो इसमें है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो इसका गुणांक शून्य होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर शून्य हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर दो हो गया। प्रश्न नंबर तीन देख लेते हैं, लिखा है इसमें पैंतीस घात के दुई पद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक ना। तो देखिए लिखा है 35 घात का, 35 घात के दुई पद बहुपद, बहुपद, ठीक ना। तो देखिए घात बोला है 35 होना चाहिए, ठीक ना, मतलब इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए और दो पद वाले होने चाहिए। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, यक से घात 35, यहाँ प्लस वन करिए, टू करिए, माइनस फाइव करिए, जो इच्छा वो लिखिए, बस इसके दो पद होने चाहिए, ठीक ना। तो एक और एक दो पद हो गया, और इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 35 हो गई, ठीक ना। तो ये हो गया, इसके आप जो भी चाहें वो लिखें, टी के घात 35 लिख सकते हैं, माइनस फाइव लिख सकते हैं, ये भी एक द्विपदी बहुपद हो गया और अधिकतम घात 35 है, तो दुई पद का 35 घात वाला बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इस तरह एक उदाहरण देना था, इनमें से कोई एक उदाहरण लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। फिर बोला है 100 घात का एक पदीय, ठीक ना, तो लिखेंगे 100 घात का एक पदीय, मतलब इसमें केवल एक पदीय होना चाहिए बहुपद, तो इसको सिंपल टी की घात 100 लिख लीजिए, हो गया, अधिकतम घात 100 है और एक पद का ही है, ऐसे लिख सकते हैं, या यक्ष घात 100 लिख लीजिए, या तो कोई एक ही लिखना है, या वाई की घात 100 लिख लीजिए, ऐसे भी हो गया, तो इसमें से कोई भी एक उतार लीजिए, या आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत सरल क्वेश्चन थे ये। प्रश्न नंबर चार देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, ठीक ना, ठीक ना। तो पहला प्रश्न नंबर चार का पहला भाग है, इसमें लिखा है फाइव यक्ष के घात 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स, ठीक ना। तो ये एक बहुपद है, इसमें ना जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, ठीक ना। जैसे ये पहला एक घात है, यहाँ दो घात है, ये तीन घात है, ठीक ना। तो चर यक्ष की अधिकतम घात 3 होने के कारण इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 3। और इसी प्रकार सेकेंड भाग देखते हैं, तो इसमें लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, देखिए सबसे अधिक घात 2 है, तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात 2, तो ये हल हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड में लिखा है 5t माइनस करनी 7, तो इसमें देखिए दुई घात दुई पद बहुपद है, इसमें घात 1 है,
ठीक ना। चर टी चर पर बहुपद है ये, तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर एक, ठीक ना। चौथा में लिखिए क्या लिखा है, तीन, ठीक ना। तो तीन है, देखिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, ठीक ना। इसकी बहुपद की घात पूछा जाता है, देखिए ये कोई केवल सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, तो अगर इसकी बहुपद की घात देखें तो देखिए घात नहीं दिख रहा है इसमें, तो जो नहीं दिख रहा है सीधे से बोलते हैं, तो इसको बहुपद की घात शून्य बोलते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे बहुपद की घात, ये हो गया शून्य। तो देखिए शून्य होता कैसे है वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर ये तीन लिखा हुआ है तो किसी भी चर के घात शून्य को इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, ठीक ना। तीन लिखा था, इसको हमने ऐसे लिख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तीन यक्ष के घात शून्य लिखा इसका मतलब एक होता है, ठीक ना। तो देखिए यक्ष के घात शून्य बराबर एक, किसी की भी घात अगर शून्य हो तो एक आता है, तो देखिए यक्ष के घात शून्य एक हो गया, तो तीन एक कम तीन, तो ये तीन प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन यक्ष की घात शून्य, ठीक ना। हमने यक्ष चर में लिया है, वाई चर, जेड चर, जिस किसी भी चर के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई संख्या हो तो उसकी बहुपद की घात शून्य होती है, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर चार हो गया। प्रश्न नंबर अब पाँच देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघातीय और कौन कौन त्रिघातीय है। तो प्रश्न नंबर पाँच का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पाँच का पहला भाग देखिए, इसमें लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक ना। अब इसमें हमको देखना है कि बहुपद की घात कितनी है। देखिए इस बहुपद की घात बोलते हैं अधिकतम, जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होती है। तो इस प्रकार अधिकतम घात दो है, ठीक ना। तो ऐसा देखिए द्वि घात है, मतलब अधिकतम घात दो है, इसको बोलते हैं द्वि घातीय बहुपद। तो इसमें लिखेंगे द्विघाती बहुपद, तो द्विघात बहुपद हो गया, ठीक ना। अधिकतम घात दो है तो दो को द्विघात बहुपद बोलेंगे। सेकेंड नंबर पे लिखा है यक्स माइनस यक्स के घात तीन, इस बहुपद की अधिकतम घात तीन है तो लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये हो गया द्विघाती भी बोलते हैं इसको। थर्ड नंबर पे लिखा है, थर्ड पर है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस चार, तो इस बहुपद की घात दो है अधिकतम, है ना। तो लिखेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक ना। चौथा देखते हैं, तो चौथे में लिखा है वन प्लस एक्स, ठीक ना। तो देखिए इसकी अधिकतम घात एक है, ठीक ना। तो इसको ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो लिखते हैं रैखिक बहुपद। पांचवा देखते हैं अब, इसमें लिखा है थ्री टी, तो ये भी एक बहुपद है, एक पदी बहुपद है, ठीक ना। एक पद ही है इसमें, इसमें देखिए दो पद है तो द्वि पदी बहुपद बोलते हैं इसको, एक दो तीन, तो तीन पदी बहुपद है। और घात की बात करें तो देखिए ये द्विघाती है आप पद में, तो तीन तीन पदी है, ठीक ना। इसी प्रकार ये एक पदीय बहुपद है और इसकी अधिकतम घात एक होने के कारण इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक ना, रैखिक बहुपद। छठवां देखिए आर के घात दो, तो ये भी एक बहुपद है और अधिकतम घात दो होने के कारण ये द्विघाती बहुपद है, ठीक ना। ये आर चर में है तो लिखेंगे इसको द्विघाती बहुपद, है ना। इसमें हमको घात देखना है बस, द्विघाती बहुपद। फिर सातवां देखते हैं, इसमें लिखा है सात यक्ष के घात तीन, तो देखिए अधिकतम घात तीन है तो लिखेंगे त्रिघाती बहुपद।
तो त्रिघाती बहुपद हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।